तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि आज गणेश संस्था जी के जन्मदिन, जो कि हम लोगों ने कल धूमधाम से मनाया, आज माँ और बाबा और बड़ी मम्मी और साथ में हमारे बैठे हैं दिनेश संस्था, जो गणेश संस्था के बड़े भाई हैं, तो हम आपको मिलवाना चाहते थे और अभी मिलवाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जानते हैं कि परिवार गणेश संस्था का इस वक्त कैसा चल रहा है। और दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा और साथ में कमेंट जरूर करना है आपको, क्योंकि यह एक शहीद का सवाल है। तो मिलते हैं सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग गणेश संस्था यानी कि दिनेश संस्था के पिताश्री से। देखो, हम तो गरीब लोग, सरकार जो तो हम दीवार बोली छो এগুলো তো মানে কিছু দিল নেই সরকার, তাহলে সরকার আমার কার ওপরে কোনো ব্যবস্থা নেই। যে বলেছিল যে খালি দিয়েছে 10 লাখ টাকা, এটা বলেছিল 10 লাখ টাকা আর 5 একর জমিন, একটা পেট্রোল পাম্প আর নকরি, তা এগুলো তো কার ব্যবস্থা করলো না এখনো। আর আমার কার অবস্থাটা কী হবে? আমার আদমি ইয়ে গরিব লোক, আমার কি খাটি পারবা? এখন আমার তো খাটি পারবা না, খাটি পারবা না, তাহলে আমার মরে যাবা নাকি? সরকার কোনো গ্রাহ্য করছে না এটা। আমার ছোটো বেটাটা যা নকরি করতে ছিল সেই দিল, আর আমার কাছে সরকার এখন আমাকে দেখছে না আর আমাকে ভালছে না। আর আমার তো দোস্তো, ইহাঁ পে বাবাকে কহনা হ্যাঁ कि सरकार ने बहुत सारे वादे निभाए हैं इनके साथ में, एक शहीद के साथ में, जिन्होंने अपने देश के खातिर बलिदान दे दिया है। और सरकार जो वादा निभाए है, उस वादा को पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। और इसके बारे में डिटेल्स में हम चलते हैं गणेश संस्था के सबसे बड़े भाई दिनेश संस्था के पास में। तो दिनेश भाई, जोहार आपको। हाँ, जोहार। आज तक जो शहीद हुए छोटा भाई, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। शहीद होने के पश्चात हम लोग तो दुख में डूबे हुए थे, जो कि सरकार द्वारा उस समय हम लोग के लिए घोषणा किया गया था कि परिवार वालों को एक नौकरी दिया जाएगा, 5 एकड़ जमीन दिया जाएगा और पेट्रोल पंप का आश्वासन दिया जाएगा। लेकिन इतना दिन पार होने के बावजूद भी अभी तक कोई पहल नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग के परिवार में एक ही था जो कि हम लोग का पालन पोषण कर रहा था और एक ही हाथ में हम लोग का रोजगार भी था, जो कि वो भी हम लोग बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष के बाद हम लोग को प्राप्त हुआ था। इतनी गरीबी झेलने के बाद जो कि हम लोग के बीच में एक हम लोग दीप जलाए थे, आज वही दीप हम लोग के बीच से जो चीनी झड़प में हुआ उसमें वो शहीद हो गए हैं। अब हमारे पास और कोई रोजगार भी नहीं है और कोई चारा भी नहीं है कि हम लोग अपना भरण पोषण कर पाए। मम्मी पापा का जिम्मेदार पहले 2 आदमी के पास था, अब मेरे पास है, मेरा तो कोई रोजगार नहीं है। और अभी हम लोग को कुछ तो खुशी लगा था कि छोटा भाई नहीं आएगा, लेकिन इसका दुख अगर सरकार हम लोग को जो घोषणा किया गया था हम लोग को दिलाए तो कुछ तो कम होगा। मम्मी पापा लोगों का देख रेख भरण पोषण में कुछ तो हमको सहयोग मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ अभी तक। अब हम लोग का आय का जो जिंदगी जीवन यापन बहुत अंधकारमय में है। तो देख सकते हैं दोस्तों, वाकई में आज जो भी जन्मदिन या मेला देख रहे हैं, ये पब्लिक के द्वारा किया गया है, ना कि घर के द्वारा, क्योंकि टोटल जनता
जितनी भी जनता यहाँ पे मौजूद हैं सब लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनके परिवार को मदद करे। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था और इन्होंने मम्मी पापा का इंटरव्यू लिया था जिसमें आप सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया और बहुत ही अच्छा बोला कि इनके लिए आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि गणेश सहित गणेश संस्था के फैमिली कैसे जी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दिनेश हंसदा जी अभी जो बोले उनका दर्द, फैमिली का दर्द उन्होंने बयां किया है। तो क्यों ना दोस्तों आप लोगों से एक सवाल है कि क्यों ना हम लोग एक हैशटैग चलाया जाए। मैं इस वीडियो को आपके लिए एकदम फ्री कर दे रहा हूँ। आप हर व्यक्ति इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आने वाले दिन में जितने भी हमारे शहीद के घर आने के हैं वे इस प्रकार की ज़िंदगी से थोड़े से आज़ाद रहे। यानी कि दिनेश जी अभी जिस मुकाम से गुजर रहे हैं, इनका फैमिली जिस मुकाम से गुजर रहा है, यह चीज़ ना हो। और हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्लीज़ सर गणेश जी के फैमिली में जो आपने आह्वान किया है उसे पूर्ण करें, ताकि आने वाले हमारे जितने भी झारखंड के फौजी भाई हैं या जितने भी देश के फौजी भाई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा योगदान साबित हो। चलिए हम मिलते हैं गणेश हंसदा जी के माँ से और उनसे दो गुफ्तगू करते हैं। तो माँ बताइए, इतने दिन हो गए और हम भी आपके पुत्र समान हैं, यह पूरा देश आपका पुत्र समान है। अभी आपको आपका जन्मदिन, गणेश हंसदा जी का जन्मदिन जो हम लोगों ने मनाया वो तो मनाया, लेकिन आपके दिल में क्या गुजर रही है उसको दिल से बयां कीजिए। हमारा तो गरीब लोग कल के मान ली हमार छोटो बेटा गणेश संस्कार जन्मदिन का भलो ही मान ली, किंतु अंदर मने दुखटा सिरा चेना जहाँ सरकार बोली छिलो जे दिवार कथा ओगिला नाई दे दीछे, तो ओई करी अंदर मनटा शांति हो चेना जतो का घोषणा करी छे सरकार ओगा दे हमरा के दी थकतो तमे तो अंदर मनटा खुशी ये थकतो जीवन तो बोली छिलो पेट्रोल पाप 5 acres जगह एकटा नौकरी। ओय तो दोस्तों देख सकते हैं जो घोषणा है आप बढ़िया से सुन लिए होंगे, बंगला में बोल रही हैं माँ, उनको बंगला आता है, हिंदी नहीं आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 acres भूमि, बस 5 acres भूमि जो सरकार ने अपमान किया, और दूसरा है एक रोजगार के लिए पेट्रोल पंप इनका, ताकि इनका जीवन यापन चल सके, या तो नौकरी दे दें, ये बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर दिनेश भाई हैं, वे बेरोज़गार हैं, बिल्कुल बेरोज़गार हैं दोस्तों, इनके पास में अभी कुछ नहीं है। तो सभी जनता से हम चाहेंगे कि सरकार के लिए एक हैशटैग का घोषणा करते हैं, एक हैशटैग चलाया जाए, सरकार तक यह बात पहुंच जाए, ताकि इस फैमिली को एक बहुत बड़ा सहयोग मिल सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं दिनेश एंड गणेश हंसदा जी के बड़ी मम्मी से, जो कि अभी यहाँ पर मौजूद। तो बड़ी मम्मी आप बताइए कि गणेश हंसदा के जाने के बाद में और दिनेश हंसदा को आपने बहुत बचपन से प्यार से पाला है, और वह प्यार अब कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता है? हमारे तो मन करते हमारे छेले पहले नाई नहीं वही दुटे छेले थी और वही छेलेगा देखी खुरी हमार थी और आशा करते छेलेगा दुटे हम छेले पहले नाई हम दे और की करबो और छेलेटा तो नाई नहीं कौन और क्या देखे हमारे एक छेले देखी पड़बे हमारे पड़बे। तो बहुत दुख की बात है दोस्तों कि इस फैमिली के प्रति अभी तक बहुत सारे विधायक, बहुत सारे पॉलिटिक्स, हमारे राजनीतिज्ञ, सोशल वर्कर,
मैं सबसे एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी सोशल वर्कर हैं और जितने भी हमारे देश में को चलाने वाले लोग हैं, मैं उनसे एक ही विनय करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 हेल्प टू यू गणेश हंस द फैमिली। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं क्रिएटिव कॉमन में रखूँगा ताकि हर व्यक्ति इस वीडियो को यूज करे और सरकार तक बात को पहुँचाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हैशटैग हेल्प गणेश संस्था फैमिली, हैशटैग सभी आपने कमेंट में लिखेगा हैशटैग गणेश संस्था फैमिली हैश, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए हम यह वीडियो को विराम देते हैं और नेक्स्ट गलवान वीर का वीडियो हम जानना चाहेंगे। गलवान वीर जो फिल्म की शूटिंग हो चुकी है कंप्लीट, उसके बारे में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ में, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए हैशटैग गुरुजी सैमसन। बाय बाय।